बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जबार खान। देश में सीए पर हो रहे विरोध के बीच में सरकार का पक्ष समझाने के लिए बीजेपी और सरकार की तरफ से रैलियों और कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। लखनऊ में सीए पर सरकार का पक्ष जनता को समझाने के लिए अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने इस रैली में सीए पर जनता को सरकार का पक्ष समझाया, विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकारों के साथ एक बात बोलिए, जो बोले तो निहाल। फिर से एक बात बोलिए, जो बोले तो निहाल। लखनऊ में सीएए के मंच से शाह ने विपक्ष को ललकार लगाई। जो बोले सोनी हाल के नारे के साथ संबोधन की शुरुआत की और सीए पर सवाल उठा रहे विपक्ष को करारा जवाब दिया। सीए लेकर आए और इस सीए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काउ 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 कर रहे हैं। ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो, हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार है। शाह ने मंच से विपक्ष को सीए पर हो रहे हंगामे का जवाब दिया। चर्चा के लिए पूरे विपक्ष को चैलेंज भी किया और साथ ही रैली के लिए जमा हुए लोगों के दिल से सीएए पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की। इस सबके बीच ये भी दो टूक साफ कर दिया कि सीए को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आज जमीन फैलाई जा रही है। लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। जाहिर है अमित शाह ने सीए को लेकर सरकार का रुख साफ कर दिया है। सीए पर सरकार का फैसला अटल है और दूसरी तरफ सड़कों पर सवालों के साथ डटे लोग भी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। सवाल ये भी उठता है कि सीएए पर समझाने के लिए लखनऊ पहुंचे अमित शाह कब उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिनको असल में समझाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से देखते और सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा विपक्ष पर प्रहार के साथ। सीए और राम मंदिर समेत अलग अलग मुद्दों पर शाह ने क्या कहा। क्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे, ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान, और नागरिकता हम किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद करोड़ों की संख्या में हिंदू वहां रह गए, सिख वहां रह गए, ईसाई रह गए, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, उन पर अमानवीय अत्याचार। मित्रों, मैंने उनके दर्द को सुना, हजारों हजारों कार्यकर्ताओं ने उनके दर्द को सुना। महात्मा गांधी की जयंती के दिन 1000 माताओं, बहनों, बहुओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनको उठवा लिया जाता है, उनको जबरदस्ती निकाह पढ़ाया जाता है, धर्म परिवर्तन करा जाता है,
हजारों हजारों की संख्या में मंदिर गुरुद्वारा तोड़े जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर आज बहुत सारे दलित भाई आए, अफगानिस्तान के अंदर आसमान को छूने वाला भगवान बुद्ध का पुतला था, तोप के गोले दागकर भगवान बुद्ध के पुतले को, शांति के दूत बुद्ध के पुतले को जीर्ण जीर्ण करने का पाप भी वहां पर हुआ। संसद का सत्र था, देश के प्रधानमंत्री हमारे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी एक बिल लेकर आए, नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, सीएए लेकर आए, और इस सीएए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काउ 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 करने लगे। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये सीए क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। इसलिए के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो, हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। आज एक फैशन की तरह ह्यूमन राइट की बात करते हैं, पट्टियां बांध बांध कर निकलते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब करोड़ों लोग मारे जाते थे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश से भाग कर आते थे, आपका ह्यूमन राइट कहां सो गया था? करोड़ों लोग मार दिए गए, भाग भगा दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिया गया। अरे कश्मीर के अंदर से 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में विस्थापित कर दिया गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं। सितंबर 26 में प्रार्थना सभा में कहा, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, निवास करना चाहे तो यहां रह सकते हैं, उनको नागरिकता देना, नौकरी देना और गौरव देना भारत सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मुझे लगता है केंद्रीय राहत कोष का उपयोग वांछनीय होगा, पाकिस्तान के शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास करने के लिए, इनको नागरिकता देने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए, मगर करा नहीं। इंदिरा गांधी ने कहा, 15 और 16 मई को मैंने असम, त्रिपुरा और बंगाल का दौरा किया, बांग्लादेश के शरणार्थियों की पीड़ा को मैंने साझा किया, भारत की भूमि उनके लिए खुली है, हम उनके समर्थन में है, वो यहां रच बच सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये सब ने कहा, मगर एक कांग्रेस पार्टी सुनने नहीं। उनको नागरिकता देने का एक कानून है,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। बाबू आप ज्यादा न बोलो तो अच्छा है, किसी के रटे रटाए दो वाक्य बोल देते हो मंच पर आकर, ये क्या है, पांच मिनट जरा बोलकर तो दिखाओ, तनिक कभी पढ़ा करो भैया, पढ़ने से फायदा होता है। कोरी राजनीति करने के लिए जो स्टैंड लिया है उत्तर प्रदेश की जनता जानती, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानता हूं, जो देश विरोधी चीजें है, देश विरोधी नारे है, देश विरोधी काम है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी मित्रों, कभी स्वीकार नहीं। अरे ममता बनर्जी, ममता दीदी इतना जोर जोर से बोलती है, जोर जोर से बोलती है कि लगता है कि इनको हो क्या है, परंतु मित्रों मैं उनको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी ये मतुआ और नाम शूद्र परिवार जो दलित है, ये यहां आए हैं दलित बंगाली, उनको नागरिकता मिल गई है, आपको उसमें तकलीफ क्या है भाई, बता दो हमें इसमें तकलीफ क्या है। मैं आपको पूछने आया हूं, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए, जोर से बोलो हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती करी थी, हमारे नेता, हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को संविधान से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया। 70 साल से ये भारत माता का मुकुट बनी कश्मीर हमारा भिन्न अंग नहीं माना जाता, लोग शंका उठाते हैं, कश्मीर के अंदर अकेला तिरंगा नहीं फैलता था, और धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने उठा दी और आज कश्मीर के अंदर हमारा ये प्यारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है मित्रों, आसमान की ऊंचाइयों को। अब हमने 370 हटाई, कांग्रेस सपा ममता सब कहते हैं कि 370 मत हटाओ, क्यों भाई, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है, धारा 370 हटने से कश्मीर के अंदर से हमेशा के लिए आतंकवाद समाप्त होने जा रहा है मित्रों, समाप्त। मित्रों साहबानों सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी, साहबानों ने अपने अधिकार की आवाज उठाई थी, इस देश की मुस्लिम माताओं बहनों की आवाज उठाई थी कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए, मगर ये वोट बैंक के लालची लोग मुस्लिम माताओं बहनों के कल्याण के लिए देश के 40 से ज्यादा मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है मगर भारत के अंदर संभाल कर रखा था। आपने 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, 303 सीटें दी, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को उखाड़ कर फेंक दिया। अबे ट्रिपल तलाक का भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे नहीं 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 18वीं सदी में चले जाइए, मुस्लिम माताओं को कल्याण, उनका कल्याण हो ऐसे कानून मत दीजिए, बहनों को अधिकार मत दीजिए। अरे विरोध करना है इतना करोड़ों अखिलेश, कुछ नहीं होने वाला है, इस देश से ट्रिपल तलाक को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। ये 5 प्रेरित आतंकवादी हिंसा का तांडव करते,
और मनमोहन सिंह की सरकार उसके मुंह में से उफ नहीं, मौनी बाबा एक शब्द नहीं हुए। आपके यूपी वालों के कारण नरेंद्र मोदी सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की बनी। उरी और पुलवामा में उनको गलती की और दोनों वक्त मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को चूर चूर करने का काम किया। मुझे बताओ लखनऊ वालों, आतंकवादी देश पर हमला करे तो उसको दृढ़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उनका खात्मा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समर्थन में आप है या नहीं है? मैं तो अवध की पवित्र भूमि पर खड़ा हूं, ये अवध साम्राज्य का हिस्सा है। हमारा लखनऊ 500 साल से भगवान राम का मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया। लाखों लाखों लोग आंदोलन करे, करोड़ों लोग आंदोलित हुए, कई लोगों की जान की, शहादत की, मगर प्रभु श्री राम का मंदिर कांग्रेस जब तक थी बनने नहीं दी। जैसे ही कोर्ट में केस आता था कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे, अभी मत करिए, रहने दीजिए। क्यों भैया कपिल, क्यों रहने दे? आपने 303 सीट मोदी जी को दे दी, सुप्रीम कोर्ट में केस गति से चला और मैं आपको कहने वाला हूं 3 महीने में आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मेरे साथ बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर वही भूमि पर गगनचुंबी मंदिर बनेगा, हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा कि हमारे जीवन के अंदर रामलला विराजमान को वहां पर हम देखेंगे। इसका भी एक कांग्रेस, अखिलेश, मायावती विरोध करे। दो साल पहले जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000 1000। भाई मुझे बताओ, मैं जनता को पूछने आया हूं, जो भारत माता के 1000 टुकड़े करने की बात करे उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मोदी जी ने उनको जेल में डाला और ये अखिलेश, मायावती, राहुल एंड कंपनी कह रही है ये वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अखिलेश बाबू सुन लो, हमें जितनी गालियां देनी है दो, हमारी पार्टी को जितनी गालियां देनी है दो, मगर भारत माता के खिलाफ इस देश में नारे लगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। राहुल बाबा कहते हैं एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ, इमरान खान भी कहता है एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ, इमरान खान कहते हैं सीएए नहीं होना चाहिए, राहुल बाबा कहते हैं सीएए नहीं होना चाहिए, इमरान खान कहते हैं धारा 370 मत हटाओ, राहुल बाबा कहते हैं धारा 370 मत हटाओ। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि इन लोगों और इमरान खान के बीच में संबंध क्या है, दोनों की भाषा क्यों है। तो विस्तार से गृहमंत्री अमित शाह ने जनता तक सरकार का पक्ष रखा और सरकार का पक्ष समझाने के लिए इस रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे।
उन्होंने भी अपने अंदाज में विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। विपक्ष पर लोगों को भ्रमित करने के आरोप के साथ साथ सीए पर सरकार का पक्ष रखा। आजादी के बाद कांग्रेस के पाप को परिमार्जन करने के लिए कांग्रेस की विभिन्न सरकारों को और उसके उपरांत विभिन्न सरकारों को मौका मिला था, लेकिन पहली बार देश के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और भेदभावकारी उन सभी जो कांग्रेस की सरकारों के पाप थे, उन पापों के परिमार्जन करने के लिए एक लोह पुरुष के रूप में, दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में, भारत के गृह मंत्री के रूप में जो दृढ़ इच्छा शक्ति आदरणीय अमित शाह जी ने दिखाया है, जिसमें नए भारत की सुरक्षा और समृद्धि का राज छुपा हुआ है और उस दिशा से आज उनका मार्गदर्शन लखनऊ में अवध प्रांत से जुड़े हुए यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। मैं इसलिए आज के इस आयोजन में आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो चुनाव के पहले एक नारा हम लोग लगाते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने पर राष्ट्र की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में जो कदम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ाए गए हैं, वास्तव में ये कार्य 1947 के बाद से प्रारंभ हो जाने चाहिए थे। ये समस्या देश के अंदर पैदा होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही कांग्रेस नहीं कर पाई। अन्य विपक्षी दलों को मौका मिला, उन्होंने वोट बैंक तलाश करके देश की कीमत पर राजनीति करना उनका स्वयं का युग धर्म बन गया था, लेकिन पहली बार देश सर्वोपरि है और देश की कीमत पर किसी प्रकार की राजनीति स्वीकार नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो कदम पिछले 6 महीनों के अंदर उठाए गए हैं, चाहे वह कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का रहा हो, 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का रहा हो, या फिर 500 वर्षों के अयोध्या के कलंक को सदैव को समाप्त करके राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य हो, या फिर भारत की परंपरा के अनुरूप शरण में आए हुए की हम रक्षा करेंगे और रक्षा के भाव के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को, धार्मिक रूप से पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर शरण दे करके जो एक महान कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, मैं सचमुच उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली सरकारों में हिम्मत नहीं थी, नहीं कर पा रही थी, लेकिन मानवता के व्यापक हित में जो कदम उठाया गया है, आज कांग्रेस, सपा और विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, ये हम सबका दायित्व बनता है। एक एक व्यक्ति के पास जाएं और इसके बारे में बार बार कहा गया है, नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, लेकिन तब भी गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। पैसा देकर के आदमी को घटना, आदमी की घटनाओं को प्रायोजित किया जा रहा है, और यही नहीं, धरना दिलवा करके भी लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो सकता। बामपंथ की थ्योरी को
फिर से नकारने की आवश्यकता है। और जो सत्य है वह सत्य हमेशा सत्य रहेगा। देश के सच्ची प्रधानमंत्री, देश के सच्ची गृह मंत्री आज जब देश के हित में बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें विघ्न बाधा पैदा करके देश के खिलाफ खड़े रखने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, हर भारत के नागरिक का दायित्व बनता है। हम सब मौन नहीं बने रह सकते। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ, हर भारत का नागरिक पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और उसी मजबूती के साथ खड़ा है जिस मजबूती के बारे में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी यह इच्छा रखते हैं कि हर भारत का नागरिक भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा के संविधान के साथ जुड़ेगा। मुझे भाइयों बहनों केवल आपसे एक बात करनी है। देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ भी विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, इस देश के अंदर देश के दुश्मनों की भाषा बोलने का कार्य कांग्रेस हो, सपा हो या अन्य विपक्षी दलों के द्वारा जो भाषा का उपयोग किया जा रहा है, हम सब मौन बने नहीं रह सकते। द्रौपदी के चीरहरण के दृश्य के दौरान एक बात सामने आई थी। उस समय भी द्रौपदी ने भरी सभा में एक प्रश्न किया था, किस पाप का दोषी कौन। भरी सभा में भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, अन्य बड़े बड़े धनुर्धर थे, ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, सभी मौन बने हुए थे। और उस समय केवल विदुर ने बोला था, उन्होंने कहा था तिहाई दोषी पापियों का, तिहाई दोषी सहयोगियों का और तिहाई दोषी मौन मूक दर्शकों का। भाइयों बहनों कांग्रेस सपा बसपा के द्वारा दुष्प्रचार चीरहरण से कम नहीं और हम सब कांग्रेस के पाप के साथ भागीदार नहीं बन सकते, सपा के पाप के साथ भागीदार नहीं बन सकते। हम सब कांग्रेस के पाप का विरोध करेंगे, सपा विपक्ष के पाप का विरोध करेंगे और जिससे जागरूकता का कार्यक्रम घर घर जाकर के केंद्र सरकार के राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए चलाए जा रहे संविधान में हम सब सहभागी बनेंगे। इस दृष्टि से हम सब पापियों के साथ खड़े नहीं हो सकते, हम सब उनके सहयोगी नहीं बन सकते और चीरहरण के दृश्य में मौन भी नहीं बने रह सकते। इस दृष्टि से आज के अवसर पर इस अभियान के साथ नागरिकता कानून के समर्थन में और देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के समर्थन में हम सब आदरणीय अमित शाह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार हैं।